74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राइट एंजल स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने में नेतागणों का हाथ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त गुर्गों को संरक्षण देने में इन्हीं का हाथ है और यदि नेता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहें तो देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। विकास नगर से महेश रावत की रिपोर्ट। सर, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना है? 74th रिपब्लिक डे का आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो एंड ये मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सबको। हमारे जो फोर फादर्स जिन्होंने इस दिन को आने के लिए कितना मेहनत किया है, उस बलिदान को हमें सोचना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें दिल में उतारना होगा। ये बच्चों को मैं हर बार असेंबली में यही कहता हूँ कि बच्चे, जब तक हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, इतिहास को नहीं जानेंगे, तो हमारे दिल से जो इज्जत आती है वो नहीं आएगा। हमारे दिल से जो हम देश के उन्नति के लिए जो कंट्रीब्यूट करना है उसके बारे में सोचना होगा, उसके बारे में प्लान करना होगा। एंड ये ईमानदारी के साथ अगर हम करें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया जी, एक और जहां आज रिपब्लिक डे मना रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा, उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? परीक्षा पे चर्चा जो है हमारे यहाँ पूरे एक साल से इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये पूरा सब कुछ किया है, ये इतना अच्छा है कि आप ये सोचिए हर बच्चा इसमें इन्वॉल्व हुआ है और मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें जो है अपना वो दिखाया, उत्साह दिखाया। और कल 27 जनवरी को हम लोग इसको जो है बच्चों को उस पर दिखा रहे हैं अपने स्कूल में, हर बच्चे को कोशिश करेंगे कि मेरा एक एक बच्चा इस परीक्षा की पे चर्चे पे जो कार्यक्रम हमारा तैयार है वो सब देखें। और कल जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट जो किया था पेंटिंग पे, 21 तारीख को हमारे यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन रहा उसके लिए, तो उन बच्चों को आज मैंने जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे उनके हाथों जो है उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी दिया है। और बच्चे बहुत उत्साह के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें बच्चे अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, अपना वो ऐसे लिख रहे हैं, अपनी जो स्टोरीज़ वो लिख रहे हैं इसमें, और जो वो बता रहे हैं परीक्षा के ऊपर, वो वाकई में एक ऐसा कदम है जिससे हर बच्चा चाहता है कहना, और उसको इस चीज़ का अवसर मिल रहा है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि एक दफ़ा आके वो बोले, अपने दिल की बात कहे। तो जो मन की बात है वो बच्चे अपने मुंह से कह रहे हैं, और ये इसका सारा जो श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। थैंक यू सो मच। नेगी जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, पूरा हमारे देश में गणतंत्र दिवस है, धूमधाम से मनाए, लेकिन आप आज चीफ गेस्ट थे, आपने नेताओं पर कटाक्ष किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामना देता हूं तमाम भारतवासियों को। दरअसल जो आज सिस्टम है, मेरा जो पूरा सिस्टम और जो देश आज दम से झेल रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की वजह से झेल रहा है, क्योंकि आज जो चंदा, ये रिश्वतखोरी, तमाम जो करप्शन है इन्हीं की देन है। और तमाम समाज में मैं 5-10% नेताओं को इससे अलग करता हूँ, लेकिन जो 90% नेता हैं जिन्होंने तमाम आज इलीगल माइनिंग की बात करें, इलीगल जो वर्क है उनके, तमाम ये चंदा वसूली, ये तमाम नशाखोरी है, सब इन्हीं की देन है। अगर ये सही हो तो मजा ले कि एक तसला रेत भी जमुना नदी या कोई सी भी नदी है उससे उठ जाए, किन्हीं भी नदियों की अगर बात है, दोहन हो रहा है, बहुत बड़ी पैसा कमाने का काम चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने ये बात कही है। और अभी कुछ समय से